नमस्कार, मैं चंदन राठौर अभी रामगढ़ प्रखंड के आड्डी गांव में हूँ और नाव से अभी हम लोग हैं। नाव पे कुछ हमारे साथी भी हैं। यहाँ पे स्थिति अभी कितनी भयावह है हम अभी आपको दिखाना चाहेंगे। तो ये देखिए, ये लगभग कुछ एक घर है और लगभग 8-10 परिवार का घर यहाँ पे रहता है और ये सभी अभी पूरी तरह से बाढ़ में डूबे हुए हैं। इनका रहन सहन गाँव के बीच में एक स्कूल है, उत्क्रमित विद्यालय, जो कि थोड़ी हाइट पे, तो सारा परिवार वहाँ पे धीरे धीरे जा रहा है अपने सभी रहन सहन के सामान को लेकर के। यहाँ पे हैं एक महिला, देखिए क्या स्थिति है, किस तरह से यहाँ पे गुजर हो रहा है लोगों का। हम चाहेंगे थोड़ा आप चारों तरफ से दिखा दीजिए कि हम लोग किस स्थिति में हैं और यहाँ पे क्या भवन की स्थिति है। ये पूरी चारों तरफ आप दिखा दीजिए, आप देखिए चारों तरफ से पूरा ये गांव घिरा हुआ है। एकमात्र रास्ता थोड़ा बहुत जो खुला हुआ है घर से आने जाने के लिए है, लेकिन वो भी कब तक रहेगा ये कहना संभव नहीं है। क्या स्थिति है भाई जी अभी? बुरा स्थिति बा। पानी अभी घर में नहीं खे गई आपका? ना, शाम तक पहुंची जाए। शाम तक पहुंची। तब तो परिवार के लेके जाए का कोनो व्यवस्था हो सुरक्षित जगह पे? कोनो व्यवस्था नहीं है, कोनो व्यवस्था नहीं है अभी। ये प्रशासन से क्या मांग बा, कुछ उम्मीद? प्रशासन लोग का करी साहब, क्या है? अरे का देखते बनी मान नहीं, इतना परेशानी में कोनो व्यवस्था ना ऐसा है, कोनो व्यवस्था नहीं है तो का कहल जाए? पीछे करे है थोड़ा सा पनिया दिखे। पर यह तक कर रतन के पानी में डूबे थे नेपाली जी हम लोग का दुआरी पर बाढ़िया गिर कैसे कैसे सामान का कोनो रास्ता नहीं थे। नहीं थे भैया कोनो रास्ता निकले का नहीं थे हम नहीं थे। तब अभी परिवार कहाँ लेके जाए? परिवार लेके अब कहाँ जाए, जाओ सही से कहीं गुजर ले कल जाए रोड सड़क पर गली कुचा में। खाना पीना? खाना पीना का है, सिर्फ डूब गई बर्तन भरवा। जानवर उनवर कुछ सुधार है? रहे लेकिन चल गए बहुत खेताड़ी में, तो रोड पर बांधल था। तो प्रशासन से क्या मांग बा? मांग तो यही बटे भैया हमनी के साधन दो, हमनी के कुछ खर्च दो, हमनी के रोड दो, तबे ना हमन का गुजारा हो। निकले पैसे खातिर के अबे तो हजार रोड डूब गई।